हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एसएस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मल्टी लेड स्टाइल एंड टेबल स्टाइल, जो कि हमारे एनोटेशन पैनल में दोस्तों यहाँ पर होते हैं। ये तो हो गया हमारा मल्टी लेड स्टाइल एंड ये हो गया हमारा टेबल स्टाइल। तो आज हम ये दोनों कमांड सीखेंगे दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा रेड, उसे प्रेस कीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन का बटन होगा दोस्तों, तो उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर अपडेट हो जाए। ओके, आपके पास ईमेल आएगी यूट्यूब की तरफ से कि हमने अगर कोई नई वीडियो अपलोड की है आपके लिए तो। ओके, और साथ में दोस्तों मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और अपने घर में ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं फूड रेसिपी की, चना दाल, ऑनियन क्रिस्पी, बेसन के लड्डू और शाही पनीर। प्लीज़ उनको भी विजिट कीजिए, और साथ में हमने एक व्लॉग डाला है, पहला व्लॉग, तो उसे भी विजिट कीजिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए उन वीडियोज़ के। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे ऑटोकैड के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर ही इसको डिलीट कर लेता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक मल्टी लेडर लेता हूँ और इसके सेंटर से यहाँ पर ये लिख देता हूँ मैं सेंटर, और फिर साइड में क्लिक। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी एक रेडियस ले रखी है, उसका स्केल बड़ा है और जो मल्टी लेडर है उसका स्केल छोटा है, वो हमें विजिबल नहीं हो रहा। तो मल्टी लेडर का स्केल इंक्रीज करने के लिए हम मल्टी लेडर स्टाइल में भी जाते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड MLS भी है दोस्तों, और यहाँ पर स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पर स्केल का ऑप्शन होता है दोस्तों, जिसको हम यहाँ पर स्पेस वाइज स्केल करके 2 ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसका स्केल इंक्रीज हो गया, ये विजिबल हो गया अच्छे से। ओके, तो वापस ही मैं मल्टी लेयर स्टाइल में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं न्यू करता हूँ दोस्तों, न्यू दे देता हूँ एग्जाम्पल, और फिर कंटिन्यू। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले टैब है लीडर फॉर्मेट, तो लीडर फॉर्मेट में जो जनरल के अंदर आता है दोस्तों, वो है टाइप, कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको स्प्लाइन कर दें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस प्रीव्यू विंडो में, ये हमारी सप्लाइन टाइप में होगी, यानी एक तो पहले स्ट्रेट लाइन थी, अब ये सप्लाइन में कन्वर्ट होगी ये लाइन मल्टी लीडर वाली। ओके फ्रेंड्स, फिर कलर दे देते हैं इसमें सियान, और फिर लाइन टाइप, लाइन टाइप में भी हम कोई भी लाइन टाइप चूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 डिफ़ॉल्ट रहती हैं। लोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसे डॉट, ओके करते हैं, फिर डॉट, ओके करेंगे तो ये डॉट डॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ से फिर वापस अगर बाय लेयर करने हैं तो ये वापस बाय लेयर कर लेंगे। ओके, ये लाइन वेट है कि हमें कितनी थिकनेस चाहिए इसकी, जैसे यहाँ पर 0.70 कर देता हूँ। और यहाँ पर सिंबल है दोस्तों एरो हेड के, जो हमारी ये एरो हेड है इसके सिंबल, तो यहाँ पर लाइन टाइप थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिंबल डॉट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे जो एरो हेड था वो डॉट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम इसके सिंबल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और फिर आता है साइज, साइज के अंदर क्या डालेंगे 2, तो ये साइज इसका एरो हेड का जो साइज है उसको इंक्रीज कर देगा, जो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 1 एंटर कर देता हूँ। फिर ये ब्रेक साइज है दोस्तों, ये जो मल्टी लीडर होते हैं उनके आपस में ब्रेक के लिए यूज होता है। फिर आता है लीडर स्ट्रक्चर, लीडर स्ट्रक्चर में कंस्ट्रेंट्स होते हैं दोस्तों, ये मैक्सिमम लीडर पॉइंट्स, ये क्या होते हैं, जैसे 2 हैं, अगर मैं इनको 5 कर दूंगा दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम पहला पॉइंट यहाँ पर देते थे, फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर, फिर टेक्स्ट मांगता था, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, फिर थर्ड पॉइंट और पूछेगा, फोर्थ पॉइंट पूछेगा, फिफ्थ पूछेगा, फिर बाद में जाके ये टेक्स्ट मांगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम नॉर्मली डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं 2, फिर यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट एंगल है, सेकंड सेगमेंट एंगल है, यहाँ पर लैंडिंग सेटिंग डिसेबल हो रखी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रेट कर देते हैं, फिर लीडर में जाएंगे, फिर यहाँ पर जो लैंडिंग सेटिंग है वो वापस ही इनेबल हो गई है, वो इसलिए डिसेबल थी क्योंकि यहाँ पर टाइप स्प्लाइन कर रखी थी हमने। तो फिर यहाँ पर लीडर स्ट्रक्चर में जाते हैं, और यहाँ पर ये लैंडिंग सेटिंग में दिखा रखा दोस्तों ऑटोमेटिकली इंक्लूड लैंडिंग, यहाँ पर जो ये लाइन है दोस्तों ये इसको रिमूव कर देगा, यानी कि ये क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई है। ओके, और फिर बाद में सेट लैंडिंग डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पर 5 एंटर कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। ओके, तो यहाँ पर मैं वापस ये डिफॉल्ट रखता हूँ 1। ओके, फिर है ये स्पेसिफाई स्केल,
स्केल में क्या दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, टेक्स्ट छोटा, हमारा मल्टीलीटर का जो एरो हेड है वो भी अगर छोटा है तो यहाँ पर स्केल में जाके हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है कंटेन। कंटेन के अंदर है मल्टीलीटर टाइप, इसके अंदर ब्लॉक है, नन है, तो यहाँ पर एम टेक्स्ट नॉर्मल डिफॉल्ट रहता है, हम यहाँ पर ब्लॉक का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं दोस्तों। फिर है टेक्स्ट ऑप्शन, या अगर हमें न्यू टेक्सटाइल क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और ये सेटिंग जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर जो भी हमें फॉन्ट नेम वगैरह सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करके न्यू बना के उसको चूज कर सकते हैं दोस्तों, ओके। और बाद में है क्या आता है दोस्तों, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर जैसे येलो देना है तो यहाँ पर ये कलर येलो हो जाएगा। और फिर है टेक्स्ट की हाइट, अगर इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें फ्रेम टेक्स्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फ्रेम आ जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर ये अनटिक कर देंगे तो इसके जो टेक्स्ट के सराउंडिंग में एक फ्रेम आया था वो रिमूव हो जाएगा। फिर है लीडर कनेक्शन। इनके अंदर दोस्तों जैसे हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट है, हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट में यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन है, लेफ्ट अटैचमेंट, राइट अटैचमेंट, लैंडिंग गैप। तो ये जैसे लेफ्ट अटैचमेंट करता हूँ मैं तो यहाँ पर टॉप टू टॉप लाइन, ये क्या करेगा, जो लीडर की जो यहाँ पर ये जॉइंट है इसको टेक्स्ट के टॉप के ऊपर अलाइन कर देगा, और यहाँ पर हम बॉटम ऑफ टॉप लाइन करते हैं तो ये बॉटम में ले आएगा, ओके फ्रेंड्स। ये लैंडिंग गैप क्या है कि जो लीडर और टेक्स्ट के बीच में गैप है उसको इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 एंटर करता हूँ, यहाँ पर साइड में क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर इस पॉइंट से इस टेक्स्ट की डिस्टेंस इंक्रीज होगी दोस्तों, ओके। तो हम इस तरह से मल्टीलेटर स्टाइल मैनेजर यूज़ करते हैं दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर मैं इसका एरो हेड का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 0.2 कर लेता हूँ, और फिर ओके, फिर क्लोज। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है ये मल्टीलेटर स्टाइल में जो हमने अभी बनाया है, तो उसके लिए क्या करें, एनोटेट में जाएंगे, यहाँ पर मल्टीलेटर स्टाइल मैनेजर भी रहता है, इसमें यहाँ पर स्टैंडर्ड में एग्जांपल चूज कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसने वही सेटिंग ले ली जो हमने वहाँ पर मॉडिफाई की थी, ओके फ्रेंड्स। और वापस स्टैंडर्ड में करना है, यहाँ पर जाएंगे और वापस स्टैंडर्ड में कर देंगे, ओके। अगर हमें वो स्टाइल अगर रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एनोटेशन में जाएंगे, मल्टीलेटर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर इसको सेट करेंट कर देते हैं स्टैंडर्ड को, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, डिलीट, यस, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर ये क्लोज। उसके बाद आता है दोस्तों टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं हम, उसके बाद यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है, अगर न्यू टेबल स्टाइल क्रिएट करना है तो न्यू के ऊपर जाएंगे, नहीं तो मॉडिफाई करते हैं। और फिर ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, सेलेक्ट टेबल टू स्टार्ट फ्रॉम, ये हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये टेबल है तो ये सिलेक्ट कर ली, तो आप देख रहे होगे प्रीव्यू में यही टेबल आ गई। अगर ये अप करेंगे, ओके करता हूँ, फिर क्लोज, तो आप देख रहे होगे टाइटल जो है वो नीचे की तरफ आ गया, ओके। तो अब दोबारा टेबल स्टाइल मैनेजर में जाता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, और यहाँ पर ये ऑलरेडी पिक है, यहाँ पर इसको डाउन कर देता हूँ तो ये टाइटल ऊपर आ जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, जैसे ये जनरल है, जनरल में फील कलर है, टॉप लाइन सेंटर है, ये मिडल सेंटर कर देंगे तो सारा डाटा मिडल में चला जाएगा। और ये टाइप डाटा लेबल, ये ऑलरेडी मैं पहले जब टेबल कमांड सिखाई थी आपको तो उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ये कैसे चेंज करते हैं। और फिर बाद में है टेक्स्ट स्टाइल, ये भी टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। फिर है बॉर्डर। बॉर्डर में भी लाइन वेट, लाइन टाइप, ये सब डिफॉल्ट रहता है, इनको चेंज कर सकते हैं हम, ओके। और फिर ओके कर देते हैं, फिर क्लोज, तो आप देख रहे होगे टाइटल भी वापस ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम मल्टीलेयर स्टाइल और टेबल स्टाइल का यूज़ करते हैं दोस्तों, ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।